पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसका आवेदन आप किस प्रकार कर सकते हैं और आवेदन में आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए और किस प्रकार अपने कैटेगरी को निर्धारित करेंगे, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। चलते हैं पंडित दीनदयाल की वेबसाइट पे और आगे का प्रोसेस वहीं से जानते हैं। पहले आपको sects.up.gov.in की वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्कस में दे दूंगा। वहां से आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें आपको यहाँ पर सरकारी सेवक की परिभाषाएं दी गई हैं और यहाँ पर प्रोसेस फॉलो फॉर एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन क्या 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 प्रोसेस से निकलती हैं, गुजरती हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर चेक वर्ल्ड एलिबिलिटी भी आपको मिल रही है, हॉस्पिटल लिस्ट भी मिल रही है, किन किन हॉस्पिटल इसमें कवरेज हैं उनका भी यहाँ पर आपको बताया गया है। और यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं जिन जो आपको फॉर्म भरने में ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य कर्मचारी पेंशनर स्टेट हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है। फिर यहाँ पर अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड यानी कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड। उसके बाद में आपको यहाँ पर फिल सेल्फ डिटेल एंड सेव कंटिन्यू, आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको भर के सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद में एडेड डिपेंडेंट एंड सेव, आपके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको आपको जोड़ना है और सेव करना है। उसके बाद में सबमिट एप्लीकेशन, वेट फॉर अप्रूवल DDO एंड TO, आफ्टर एप्लीकेशन अप्रूवेड DDO TO एंड मैसेज इन रिसीव गो लिंक प्रोवाइड मैसेज विजिट, और फिर कंप्लेंट आधार EKYC एंड डाउनलोड कार्ड। अब यहाँ पर भी आपको राज्य कर्मचारी पेंशनर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते बातों का ध्यान रखना है, वो भी आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पूरी पूरी जानकारियाँ दी गई हैं कि किस प्रकार आपको भरना है, किस प्रकार अपने पोर्टल पर पदनाम आपको यहाँ पर नहीं मिलना है तो स्थिति में क्या करना है, आप अलग अलग विभाग से हैं, यदि मैं मेरे विभाग से यदि भर लूँ तो आपको अन्य विभागों का समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ से आप एक बार इस चीज़ को जरूर पढ़ लें जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। उसके बाद में आपको चेक एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ से आप एप्लीकेशन की स्टेटस को चेक कर सकते हैं और यदि आप DDO TO हैं तो यहाँ से लॉग इन भी कर सकते हैं। और भी आपको यदि जानकारी कुछ समझ में नहीं आ रही है तो कॉन्टैक्ट अस पे आप कॉल करके यहाँ से पूछ सकते हैं या आप मेल भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि पदनाम जोड़े जाने के संबंध में, यहाँ पर आप पदनाम के संबंधित यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये भी नोटिस पढ़ सकते हैं। सेल्फ DDO के आवेदन के सत्यापन के संबंध में हैं और यहाँ पर पेंशनर के बारे में संबंधित हैं कि उत्तर प्रदेश से बाहर से आवश्यक पेंशनर के आवेदन के संबंध में यहाँ पर भी हैं। परिवार एवं आश्रित के संबंधित नियम यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और छठे वेतन आयोग के समतुल्य सातवें वेतन आयोग पर प्रे ग्रेड एपे लेवल के बारे में यहाँ पर आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशनर एप्लीकेशन में एडिट आप यदि एप्लीकेशन को करना चाहते हैं तो ये भी आपको ऑप्शन मिलता है, और आप किसी को ऐड करना चाहते हैं यदि आपके जो आश्रित हैं आपके परिवार को उसको ऐड या एडिट करना चाहते हैं, उसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं तो इसके ज़रिए आप कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन की स्टेटस को इस यहां से चेक कर सकते हैं। और अपने कार्ड जब आपका अप्रूव हो जाए तो डाउनलोड के ऑप्शन में आकर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आपको प्रोसेस फॉलो पर एप्लीकेशन, आपका जो एप्लीकेशन होगा वो किन चरणों से जाएगा तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। पूरी तरह से आपको समझाया गया है कि आपका एप्लीकेशन किस चरणों से गुजरते हुए आपका एप्लीकेशन पास होगा, तो यहाँ से वो भी जानकारी आपको मिल जाती है। और यहाँ से आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर
जो आधार के अंदर जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे लगाना है, कैप्चा लगाना है, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, आपके जो आधार में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं वो आपको उस पर ओटीपी आएगी, वो ओटीपी डाल के आप इसके अंदर लॉगिन हो सकते हैं। उसके आगे आपको जैसा जैसा पूछा जाए उस प्रकार से आपको आगे चलना जाना है। और यदि आपके आधार में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो भी आपको यदि पता नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा आप क्लिक करेंगे तो आपको वो भी प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आपके आधार में मोबाइल नंबर कौन सा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको ये पूरा प्रोसेस बताया गया है, आप इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं ई आधार की वेबसाइट पर जाकर। तो इस प्रकार आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में 5 लाख तक का फ्री आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।